Hi guys, what's up? Once again, welcome back to my channel. This is Abhishek. अभी दोस्तों हूँ मैं वर्सा पोलैंड में और फिलहाल मैं वर्सा के सेंटर सिटी सेंटर पे घूम रहा हूँ. मैंने जो व्लॉग डाली थी कल मैंने दुबई से अभी यहाँ पे आया हूँ पहुँचा हूँ. सो उसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए बोला था कि मैं कैसे यहाँ पे पहुँचा और यूक्रेन कैसे जाना है मुझे. तो सारी चीज़ें मैं अभी इस व्लॉग में कवर करूँगा. कल रात को मैं पहुँचा यहाँ फिलहाल तो इसलिए घूम नहीं पाया. सो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ठंड है. इंडिया से ड्रास्टिक चेंज आया टेम्परेचर में. यहाँ पे अभी टेम्परेचर लगभग -4-5 डिग्री के आसपास है. टावर देख सकते हो आप मेरे. तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करूँगा और शाम को मेरी बस है यूक्रेन के लिए. तो अभी यूक्रेन को वापस जाऊँगा. फिलहाल काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे. खूबसूरत सी जगह है वर्सा. डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे क्या प्रोसेसिंग हुआ पे, एयरपोर्ट पर क्या रिक्वायरमेंट थी, कुछ एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ ने मांगा है यहाँ पे या नहीं मांगा. सो मैं फाइनली जो चीज़ें वो सब आपको यूक्रेन जाने के बाद बताऊँगा ताकि मैं वो चीज़ देख लूँ कि हाँ जो जो चीज़ें सही तरीके से मैंने की थी वो सारी चीज़ें सही तरीके से करने के बाद मैं यूक्रेन में एंटर कर पाया कि नहीं. तो अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगा कि पोलैंड तक आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है. तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी. जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स है बस वही आपके चाहिए. जैसे यूनिवर्सिटी लेटर आपका हो गया वो रख लेना अपने पास. वीज़ा रख लेना यूक्रेन का जो कि आपका TRP है. आपका पासपोर्ट और टिकट रहेगा ही. बस का टिकट ज़रूर दिखाना होगा. जब आप बोर्डिंग करोगे तो उस टाइम आपको बस की टिकट ज़रूर लोग मांगेंगे. जब आप पोलैंड से ट्रांजिट कब यूक्रेन के लिए करोगे तो वो आपको चीज़ दिखानी पड़ेगी. तो बस टिकट देखेंगे तो कंफर्म कर सकते हैं. कहीं कहीं होटल बुकिंग भी मांग सकते हैं. तो सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो जो आपने अपने वीज़ा के टाइम जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रखे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं. PDF के फॉर्म में रख लेना या फिर प्रिंटआउट के फॉर्म में रख लेना आपकी मर्ज़ी. सो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी. जैसा कि मैंने बोला था कि मैं जब यूक्रेन में एक बार एंटर कर लूँगा उसके बाद आपको सारी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स दूंगा. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इसमें वीज़ा से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि वीज़ा मोस्टली लोगों ने लगवा लिया होगा और उसके डॉक्यूमेंट्स भी पता होंगे आप लोगों को. अगर नहीं पता है तो मैं उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो 1-2 दिन में जल्दी अपलोड कर दूँगा. तो फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे कि हम इंडिया में एयरपोर्ट में कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी और उसके बाद फिर यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है यूक्रेन में एंटर करने तक के लिए. ठीक, अब बात करते हैं इंडिया में. तो जैसे कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इंडिया में जो डॉक्यूमेंट होता है जब आप एयरपोर्ट पे एंटर करोगे अपना टिकट दिखाओगे एंट्री लोगे उसके बाद आप जब बोर्डिंग के लिए बोर्डिंग पास लेने जाओगे वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना बोर्डिंग पास लेना है, लगेज चेक कराना है, चेक इन कराना है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वहाँ पे देखनी है अपने पास वो है आपका बस टिकट क्योंकि आप पोलैंड में ट्रांजिट वीज़ा पे आ रहे हो सकता है यूक्रेनियन वीज़ा यानी कि जो आपका पोस्टविद का है वो मांगेगा देखने के लिए. साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो बस की टिकट है वो भी देखने को मांग सकता है और होटल बुकिंग या फिर आप कहाँ स्टे करके फिर जा रहे हो डायरेक्टली आप एयरपोर्ट से उतर के डायरेक्टली आप पोलैंड में जा रहे हो या फिर कहीं स्टे करोगे तो ये सारी चीज़ें आपसे मांग सकता है देखने के लिए. मैं फ्लाई दुबई से आया था तो मुझसे कोई भी रिटर्न टिकट नहीं मांगा गया. तो आप इस चीज़ से टेंशन फ्री रहो. इमिग्रेशन पे आप जब जाओगे तो आपसे जो इमिग्रेशन के अथॉरिटीज़ होंगे वो पूछेंगे आपसे पासपोर्ट आपका मांगेंगे और साथ में आपका यूक्रेनियन वीज़ा यानी कि पोस्टविद का चेक करेंगे. और हाँ ये भी पूछ सकते हैं वो कि आपका कौन सा ईयर है. तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 3rd ईयर या 4th ईयर हो तभी आप आओ क्योंकि 1st ईयर या 2nd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. मैं फ्लाई दुबई से आया था तो वहाँ पे उन्होंने बोर्डिंग करते टाइम भी पोस्टविद का चेक किया था. एक चीज़ और मैं यहीं पे बता देता हूँ आगे भूल जाऊँगा कि बहुत से लोग अगर जो फ्लाई दुबई से आ रहे हैं उनको जब टिकट बुकिंग करते होंगे तो उस टाइम उनको दिखाता होगा OK to board. इस चीज़ के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि OK to board क्या होता है. ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने 10th से ऊपर की क्वालिफिकेशन नहीं जिनके पास जो कि दुबई में मिडिल ईस्ट में जॉब के लिए जाते हैं. ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए मोस्टली होता है. और उनका जो पासपोर्ट होता है वो ECR होता है जो कि पासपोर्ट के पीछे वाले पेज पे ऊपर की तरफ लिखा होता है ECR. फुल फॉर्म में लिखा रहेगा ये इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड. ठीक है,
दूसरी चीज कि आप शेंगेन वीजा ले रहे हो, उस शेंगेन वीजा पे कोई भी ओके टू बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप फ्लाई दुबई के ऑफिशियल जो एजेंट होते हैं दिल्ली में, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उनका नंबर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा फ्लाई दुबई के। इसके बाद आप जब पोलैंड पहुंच जाओगे तो पोलैंड में सबसे पहले इमिग्रेशन होगा आपका, जहाँ पे आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होगी, साथ में आपका जो वीजा है वहाँ पे आपसे पोस्ट विद का यानी कि यूक्रेनियन वीजा मांगेंगे वो, और मे बी आपसे वहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका जो बस टिकट है, अगेन होटल बुकिंग है, ये सब चीज़ें मांग सकते हैं। तो आप चाहो तो इसका एक पीडीएफ फॉर्म में रख सकते हो या फिर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो यूनिवर्सिटी का लेटर, जो कि यूनिवर्सिटी ने आपको इन्वाइट किया है या आप ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए यूनिवर्सिटी आ सकते हो यूक्रेन में, वो आपको दिखाना है, आपकी डिग्री से आपको मिला होगा, वो आपको हमेशा अपने पास रखना है, कहीं भी मांग सकते हैं ये लोग। आपका इमिग्रेशन क्लियर हो गया उसके बाद पोलैंड में आप चाहोगे जहाँ पे भी आपको चाहो तो स्टे कर सकते हो या फिर आप ऑन द सेम डे बस लेके यूक्रेन आ सकते हो। अब आप पहुँचोगे पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका पासपोर्ट। जब पोलैंड का इमिग्रेशन कराओगे आप तो वहाँ पे आपके पासपोर्ट लेंगे वो, और साथ में आपका फिंगरप्रिंट, चार फिंगरप्रिंट्स आपके लेंगे, राइट हैंड के फोर फिंगरप्रिंट्स, इंडेक्स फिंगर से लेके पिंकी फिंगर तक, प्लस पोस्ट विद का वहाँ पे चेक होगा, पोस्ट विद का वेरीफाई करेंगे, और मे बी वहाँ पे स्टूडेंट लेटर आपसे मांग सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो लेटर आया है आपको, यूनिवर्सिटी लेटर वो मांग सकते हैं। फिर वहाँ से आप बस में बैठोगे और जो यूक्रेनियन बॉर्डर पोस्ट होता है जहाँ पे चेकिंग होता है यूक्रेन में इमिग्रेशन करने के लिए, इसके बाद आप यूक्रेन में एंटर करोगे और आप जहाँ चाहो वहाँ पे जा सकते हो। होपफुली आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।